हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल पर ट्रेन्स एंड ट्रेवल में। आज का वीडियो बाराबंकी जंक्शन पर, तो छोटा सा अपडेट, छोटा सा वीडियो होगा क्योंकि हाल ही में बाराबंकी जंक्शन पर बहुत सी जो जन सुविधाएँ, जो कार्य जो मैंने पूर्व के वीडियो में दिखाया था जो चल रहे थे, वो पूरे हो चुके हैं, तो उन पर डालेंगे हम एक नज़र और छोटा सा ही अपडेट होगा ये बाराबंकी जंक्शन से। तो चलिए देखते हैं वीडियो, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ जो नीचे बेल आइकन बना है उसे जरूर दबा लीजिए ताकि कोई भी नया वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं ट्रेन्स एंड ट्रेवल पर वो आपसे मिस ना हो, उसका मैसेज आप तक पहुंच जाए और मेरा कोई भी अपलोड आप मिस ना करें। तो चलिए देखते हैं बाराबंकी जंक्शन पर आज का छोटा सा अपडेट। बाराबंकी जंक्शन के बाएं हाथ पर अगर आप बाहर मुख्य बिल्डिंग में खड़े हैं, तो जो पूर्व के वीडियो में मैंने आपको दिखाया था जब बाराबंकी जंक्शन पर मैंने वीडियो किया था, तो बाहर की तरफ से अप्रोच एक जीना स्टेयर केस तब उस वीडियो में बनाया जा रहा था जो बनके तैयार हो चुका है, और यहां से सीधे आप प्लेटफॉर्म नंबर 2-3 और आगे की तरफ जा सकते हैं। तो ये बाहर से ही अब एंट्री दे दी है और बाहर से ही आप जो है ऊपर से पैदल पुल से सीधे बिना प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जाए बाराबंकी जंक्शन से बाहर आ सकते हैं। तो ये बनकर तैयार हो चुका है और शुरू भी हो गया है, और ये बाराबंकी जंक्शन के बाहर का देखिए सर्कुलेटिंग एरिया है, काफ़ी बड़ा है, यहाँ पर काफ़ी स्पेस है। यहाँ से बाहर आपको ऑटो और रिक्शा मिल जाएगी जहाँ भी आपको जाना हो। अधिकांश लोग बाराबंकी जंक्शन पर जो उतरते हैं लोकल्स के साथ साथ जो बाहर से लोग, यहाँ पर देवा शरीफ मज़ार है बहुत ही प्रसिद्ध, उसके दर्शन करने जो आते हैं तो वो यहीं फिर बाराबंकी जंक्शन पर उतरते हैं। और बाराबंकी जंक्शन जो है ये जंक्शन पॉइंट है फैज़ाबाद लाइन और गोंडा लाइन का, जो आगे गोरखपुर जाती है और इधर वाराणसी आजमगढ़ की तरफ रेलगाड़ियां यहां से जाती हैं जो लखनऊ की दिशा से आती हैं। यहां से दो रास्ते हो जाते हैं बाइफर्केशन, एक फैज़ाबाद की तरफ जो सिंगल लाइन है फिलहाल अभी, जिस पर डबलिंग का काम अभी होना बाकी है, शुरू भी नहीं हुआ है, और इलेक्ट्रिफिकेशन तो उसके फिर बाद ही होगा। और गोरखपुर की जो लाइन है यहाँ से आगे वो डबल लाइन है पूरी, और इधर लखनऊ की तरफ डबल लाइन है। ये बाहर से व्यू बाराबंकी जंक्शन का, ये है बाराबंकी जंक्शन की मुख्य बिल्डिंग। बाराबंकी जंक्शन जो है वो नॉर्दर्न रेलवे में आता है लखनऊ डिवीजन में, और ये बाहर का सर्कुलेटिंग एरिया इस तरफ से देखिए आप काफी बड़ा है और काफी पुराना स्टेशन है ये बाराबंकी जंक्शन। साथ ही सामने यहाँ पर पास ही जलपान ग्रह है इसके, और ये बाहर जाने का रास्ता है बाराबंकी शहर की तरफ, जहाँ से आगे बस स्टैंड वगैरह पास ही में है, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर आप जा करके आगे बस सेवा ले सकते हैं अगर आप कहीं जाना चाहते हैं लोकल आसपास। और इधर ये बाराबंकी जंक्शन, तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं बाराबंकी जंक्शन पर क्या है हाल चाल। बाराबंकी जंक्शन का साइन बोर्ड में प्लेट उसकी, और सामने देखिए लोकमान्य तिलक टर्मिनस जाने वाली रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ रही है गोरखपुर की दिशा से। ये सामने गोरखपुर की दिशा है और फैज़ाबाद की लाइन है, ये पूर्व दिशा है ईस्ट बाराबंकी जंक्शन की। और देखिए लोग किस प्रकार से पटरी क्रॉस करके यहाँ से प्लेटफॉर्म पर जा रहे हैं, पैदल पुल जो बना है वो एक छोर पर ही बना है बाराबंकी जंक्शन पर।
ये सामने फ्लाईओवर है जो देवा रोड है उसके नीचे से एक लाइन दाहिने हाथ पर फैजाबाद चली जाती है, सिंगल लाइन है, और बाएं हाथ पे लेफ्ट हैंड पर डबल लाइन दंदौरा और गोंडा होते हुए गोरखपुर की तरफ NER की लाइन हो जाती है, वो आ जाती है, और राइट साइड नॉर्दर्न रेलवे की लाइन जाती है यहाँ से फैजाबाद की दिशा में, अयोध्या जंक्शन की दिशा में। और इधर ये बालामऊ से वाराणसी जाने वाला पैसेंजर ट्रेन जो है, यात्री गाड़ी, ये खड़ी है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। 8 डिब्बे की गाड़ी है ये, छोटी सी यात्री गाड़ी। तो सामने प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 पर आ चुकी है लोकमान तिलक टर्मिनस जाने वाली रेलगाड़ी, और 4 नंबर पर छपरा से चलकर मथुरा जाने वाली रेलगाड़ी थोड़ी देर में आने वाली है। ये वाराणसी जाने वाला पैसेंजर 2 नंबर प्लेटफॉर्म से बाराबंकी जंक्शन के इस समय जा रहा है। ये फुट ओवर ब्रिज से व्यू है बाराबंकी जंक्शन का, और प्लेटफॉर्म नंबर 3 की तरफ जो ट्रेन खड़ी है ये लोकमान तिलक टर्मिनस जाएगी, जो गोरखपुर से चलकर आई है। ये आप देख सकते हैं 2 नंबर प्लेटफॉर्म से यात्री गाड़ी जो है, सवारी गाड़ी जा रही है, ये फैजाबाद होते हुए वाराणसी जाएगी। ये प्लेटफॉर्म नंबर 1, ये सामने गोरखपुर और फैजाबाद की दिशा है इस तरफ, ये लखनऊ की दिशा हो गई, और कुल मिलाकर यहां पर 7 ट्रैक हैं बाराबंकी जंक्शन में और 4 प्लेटफॉर्म है। और आने वाले समय में जब मल्हौर से बाराबंकी तक अभी जो 2 लाइन है उसमें 2 लाइनें और ऐड होंगी, 4 लाइन करी जाएंगी, तो हो सकता है, जैसा मुझे लगता है, कि 2 लाइनें फिर डेडिकेटेड NER के पास हो जाएं, क्योंकि अभी मल्हौर से गोमती नगर की तरफ तो पूर्वोत्तर रेलवे के पास है वो ट्रैक, लेकिन मल्हौर से बाराबंकी जंक्शन होते फिर आगे फैजाबाद जो ये लाइन जा रही है और जो बाराबंकी जंक्शन है ये उत्तर रेलवे के अधीन है, तो इसमें NER की ट्रेन्स पिट जाती हैं, लेट हो जाती हैं। तो मल्हौर से बाराबंकी जंक्शन तक जब डबल लाइन हो जाएगी तो मुझे लगता है फिर प्लेटफॉर्म नंबर 3 और 4 जो हैं इस पे अधिकांश पूर्वोत्तर रेलवे की ट्रेन्स ली जाएंगी, और यहीं से फिर गोरखपुर की दिशा में वो चली जाएंगी, और NR की ट्रेन्स मेनली 1 नंबर और 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर फिर ली जाएंगी, जैसा बरेली में है कि जो मुख्य बरेली जंक्शन है वो उत्तर रेलवे के पास है, और बरेली का जो रामगंगा ब्रिज वाली साइड है, जो बदायूं से लाइन आती है, बदायूं कासगंज से, वो पूर्वोत्तर रेलवे के पास है। तो जैसे पहले वहाँ पर था बरेली में, कुछ कुछ मुझे लगता है उस प्रकार से फिर बाराबंकी जंक्शन में भी हो जाएगी बात। और 4 लाइन तो बहुत ज़रूरी हैं मल्हौर से यहाँ तक, क्योंकि देखिए रेलगाड़ियाँ रुकी हुई हैं, बहुत टाइम लग जाता है, लोड बहुत ज़्यादा है ट्रेन्स का, रेलगाड़ियाँ बहुत बढ़ गई हैं, उस हिसाब से अभी ट्रैक्स हमारे उतने नहीं बढ़ पाए हैं भारतीय रेलवे के नेटवर्क में, तो ये एक कमी है। और नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं खड़ी है लोकमान तिलक टर्मिनस जाने वाली रेलगाड़ी। छपरा मथुरा एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आ रही है बाराबंकी जंक्शन के, ये गाड़ी जो है वो कासगंज होके जाती है, सुपर फास्ट है,